नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स का कंपैरिजन करेंगे और कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जो फिजिक्स है, फिजिक्स बेसिकली ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्ल्ड वर्क, ये दुनिया जो है वो कैसे काम करती है और क्यों काम करती है, कौन से लॉज के ऊपर बेस्ड है, टू अंडरस्टैंड द बेसिक लॉज ऑफ नेचर। यही काम है साइंस का या पर्टिकुलरली फिजिक्स का। मगर हम जब इस नेचर को देखते हैं तो इस नेचर में चारों तरफ देखने पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, प्लैनेट्स हैं, ट्रेन्स हैं, हवाई जहाज हैं। तो एक तरफ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, जिनको हम साइंस में मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। मैक्रोस्कोपिक मीन्स विच आर वेरी बिग इन साइज। और दूसरी तरफ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और आजकल जैसे आप वायरस की बात करते हैं, कोरोना वायरस। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखनी पड़ती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस पूरी दुनिया में एक तरफ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मैक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो है वो कहते हैं। लगभग 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने नेचर के बारे में स्टडी करना शुरू किया। जैसे आपने पढ़ा होगा कि गैलीलियो, आर्किमिडीज, न्यूटन, माइकल फैराडे, मैक्सवेल, तो इन लोगों ने धीरे धीरे मैक्रोस्कोपिक जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, जो दुनिया में चारों तरफ दिखाई देती थी, उनके बारे में स्टडी किया, कुछ लॉज बनाए, और ये देखा गया कि वो लॉज जो है एग्जैक्टली जो है इन ऑब्जेक्ट के मोशन को, इनके बिहेवियर को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो दौर था, इस दौर को क्लासिकल फिजिक्स जो है वो कहा गया। और फिर जैसे जैसे साइंस जो है वो आगे बढ़ती गई, तो एटम की इन्वेंशन हुई, फिर ये पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, और बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों का भी मालूम हुआ जो बहुत ही छोटी हैं, जिनको हम नेकेड आंखों से नहीं देख सकते, उनको किसी माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। और इनके ऊपर जो क्लासिकल फिजिक्स के लॉज थे, क्या वो वैलिड हैं या नहीं वैलिड हैं, तो कुछ और साइंटिस्ट लोग आए जिन्होंने इनके ऊपर जो है वो रिसर्च किया, और वो फिजिक्स की एक अलग ब्रांच बन गई, जिसको हम जो है वो क्वांटम साइंस या क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो बिल्कुल ब्रॉडली मोटे मोटे अक्षरों में हम डिफाइन करें तो जो क्लासिकल फिजिक्स है, इट इज द सेट ऑफ लॉज टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो हम सेट ऑफ लॉज इस्तेमाल करते हैं, उनको हम जो है वो क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और दूसरी तरफ वो जो सेट ऑफ लॉज हैं विच आर यूज टू एक्सप्लेन द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, उनके जो लॉज हैं, उनका जो एक सेट है, उसको हम क्वांटम फिजिक्स जो है वो कहते हैं। तो बिल्कुल बेसिक आइडिया में कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला डिफरेंस है कि क्लासिकल फिजिक्स का मतलब है कि वो लॉज, वो रूल्स जो बड़ी चीज़ों को, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को स्टडी करता है, जबकि क्वांटम फिजिक्स का मतलब है कि वो लॉज जो बहुत ही छोटी चीज़ों को, स्मॉल ऑब्जेक्ट को, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, उनको हम जो है वो क्वांटम फिजिक्स जो है वो कहते हैं। दूसरा, जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें मेन न्यूटन्स लॉज हैं। आपने पढ़े होंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो न्यूटन्स के लॉज के ऊपर जो बेस्ड साइंस है, फिजिक्स है, इट इज़ कॉल्ड एज क्लासिकल फिजिक्स। दूसरी तरफ कोई एक साइंटिस्ट नहीं है, मगर बहुत से साइंटिस्ट हैं, उन सभी की कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैक्स प्लैंक, आइंस्टीन, हेजनबर्ग, स्कॉडिंजर, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अलग अलग रूल्स दिए, लॉ दिए, ये सभी मिल करके जो है वो क्वांटम फिजिक्स जो है वो बनाते हैं। यदि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करें तो जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन,
वहीं क्वांटम में जो है वो सेम काम जो है वो स्कोडेंजर इक्वेशन करती है, जिसको एच साई इन इक्वल टू ई साई जो है वो लिखते हैं। तीसरा जो मेन डिफरेंस है वो है डिटर्मिनिस्टिक। जो क्लासिकल फिजिक्स है वो डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर है, मतलब क्लासिकल फिजिक्स के लॉज जो है वो एग्जैक्टली बताते हैं पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलेशन, मोमेंटम और फ्यूचर में। अभी पार्टिकल यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो एक साल के बाद कहाँ होगा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन प्रेडिक्शन जो है वो की जा सकती है। मींस ये डिटर्मिनिस्टिक है, पक्की बात जो है वो बताता है, जो एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म है। जबकि दूसरी तरफ जो क्वांटम मैकेनिक्स है इट इज प्रोबेबिलिटी बेस्ड। ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, अनसर्टन है, यहाँ पे हम पक्का नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में जो जब हम छोटे पार्टिकल्स के स्टडी करते हैं तो उनका जो बिहेवियर है, स्पेशली उनका पोजीशन, मोमेंटम दैट कैन नॉट बी फाइंड साइमल्टेनियसली, जिसको हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करते हैं, और जो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो हम यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्लासिकल में हम पक्की बात कह सकते हैं, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी के बेस पर प्रेडिक्शंस होती है, एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इट इज इंट्यूटिव, जैसा हमें देखने में लगता है, जैसे आम समझ है वैसे ही है, मगर क्वांटम मैकेनिक्स जो है इट इज काउंटर इंट्यूटिव, ये वैसा नहीं है जैसा हमें आम जिंदगी में देखने को मिलता है। नाउ फोर्थ जो है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम यूनी नेचर जो है वो कंसिडर करते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि फिजिक्स के नजरिए से इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक है मैटर और दूसरी है एनर्जी। तो जो मैटर है दैट पोजेसेस द पार्टिकल नेचर, जो एनर्जी है या लाइट है दैट पोजेसेस द वेव नेचर। तो क्लासिकल फिजिक्स ये अज्यूम करती है कि मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर है और वेव जो है या लाइट जो है वो वेव नेचर की है, एक ही तरह की नेचर है। जबकि क्वांटम फिजिक्स में ऐसा नहीं है, क्वांटम फिजिक्स इज बेस्ड ऑन द ड्यूल नेचर। बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि जो क्वांटम में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं दे पोजेसेस द ड्यूल नेचर, वो दोनों तरह का कैरेक्टर पोजेस करते हैं, कभी वो वेव की तरह व्यवहार करते हैं और कभी जो है वो पार्टिकल की तरह। तो क्लासिकल फिजिक्स में जिन पार्टिकल्स को हम स्टडी करते हैं वो यूनी नेचर होते हैं, या तो वो पार्टिकल होंगे या तो वेव होंगे, मगर क्वांटम मैकेनिक्स में जिनको हम स्टडी करते हैं वो ड्यूल नेचर के होंगे, वो वेव और पार्टिकल कैरेक्टर दोनों ही जो है वो पोजेस करते हैं। उसके बाद एक मेन डिफरेंस जो फिफ्थ है दैट इज अ कंटिन्यूस। क्लासिकल जो मैकेनिक्स है या क्लासिकल जो फिजिक्स है उसमें जो एनर्जी है उसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं, कंटिन्यूसली वो वेरी करती है, और एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी और इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मीन्स इंटेंसिटी एनर्जी की जो वेरिएशन है वो कंटिन्यूसली होती है। दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स जो है वहां पर हम एनर्जी और मोमेंटम की जो वेरिएशन है, मीन्स माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एनर्जी और मोमेंटम की जो वेरिएशन है वो डिस्क्रीट होती है, क्वांटाइज होती है, पैकेट की फॉर्म में होती है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो क्लासिकल फिजिक्स है इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम जो ऑब्जर्वर है उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता। आप किसी भी चीज को देख रहे हैं रैशनल थिंकिंग से, एक ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको भी वैसा लगेगा, दूसरा देखेगा तो उसको भी वैसा लगेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। जैसे ग्रेविटेशन है या ग्रेविटी है, तो जो भी चीज नीचे की तरफ गिर रही है वो ग्रेविटी की वजह से है, और ये ऑब्जेक्टिव है, मीन्स देखने वाले के नजरिए के ऊपर जो है वो निर्भर नहीं करती। जबकि जो क्वांटम साइंस है, क्वांटम फिजिक्स है, इट इज सब्जेक्टिव, मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है उसके ऊपर जो है वो आउटकम डिपेंड करती है। तो ये जो है इन दोनों में जो है वो डिफरेंस है। तो कुल मिला के हम इसको मैं समराइज करूं तो ऐसे कह सकते हैं कि क्लासिकल जो है वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को स्टडी करती है, जबकि क्वांटम माइक्रोस्कोपिक को, वहां न्यूटन्स लॉज के ऊपर बेस्ड है, जहां वहां मैक्स प्लैंक, आइंस्टीन, हैजनबर्ग इनके लॉज हैं, जहां क्लासिकल जो फिजिक्स है वो डिटर्मिनिस्टिक है, जबकि वो क्वांटम जो है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। जहां क्लासिकल फिजिक्स में हम पार्टिकल्स को यूनी नेचर, एक ही तरह का नेचर का मानते हैं पार्टिकल या वेव, जबकि क्वांटम में ड्यूल करेक्टर होता है। क्लासिकल में एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली वेरी करती है, जबकि क्वांटम रीजन में जो एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूस डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड फॉर्म में वेरी करती है। क्लासिकल फिजिक्स जहां ऑब्जेक्टिव है वहीं पर जो है क्वांटम जो है वो सब्जेक्टिव है।
तो ये कुछ एक बेसिक डिफरेंसेस थे। यदि इन दोनों बातों को हम आपस में कोरिलेट करना चाहें तो मान लीजिए कहीं पर एक रेत का पहाड़ है, रेत का हम्प लगा हुआ है, तो जब आप उस रेत के पहाड़ को इकट्ठे तौर पे स्टडी करेंगे तो आप कहेंगे कि वो क्लासिकल फिजिक्स है। मगर जब उसमें से आप नजदीक जाके एक रेत का कण अलग कर लेंगे, दैट इज ए स्मॉल पार्टिकल जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टीज उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे, देन दैट इज क्वांटम। तो क्वांटम या क्लासिकल बेसिकली अलग अलग से रीजंस हैं विच डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल, वेदर दे आर मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो आई होप कि एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन या डिफरेंस जो है क्लासिकल साइंस, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जो कि हेमंत सर के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।